जाने की जय जय जय। बोले परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत गुरुवर्षी 108 विद्या सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर्षी 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर्षी 108 अरहे सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधु शाश्वत तीर्थराज समेत से घर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की अद्भुत परिकल्पना की देन है जो आज गुणायतन के रूप में साकार हो रही है। निश्चित ही बंधु गुणायतन के माध्यम से आने वाले समय में युग युगांतर तक जिन शासन की पताका होगी पताका लहराएगी और बंधु आने वाली युवा पीढ़ी भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में होगा गुणायतन। मैं पुनः पुनः यही निवेदन करूंगा बंधुओं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं तो आज ही अपने सौभाग्य को जागृत कीजिए और जानिए गुणायतन से जुड़ी ही निर्माणकारी योजनाएं और अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगा करके शादी से पुण्य कार्जन कीजिए। आज का पावन दिवस रहा संयम उपकरण को पूज गुरुदेव पिक्षिका प्रवर्तन का पावन समारोह इस गुणायतन परिसर में संपन्न हुआ। आइए आप जुड़ते हैं शंका समाधान की इस कड़ी से। जैसा कि आपको विदित है प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को धन्य कर रहे हैं। आज जिन लोगों ने गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को धन्य किया है उन श्रावक शिष्यों के नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं और आपकी करतल ध्वनि उनके सम्मान में बजना चाहिए। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्यों की घोषणा कर रहा हूं। नई दिल्ली से श्री अक्षत जी जैन, श्रीमती प्रज्ञा जैन, अजय जी जैन, यदि वो उपस्थित तो अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएं और वहीं से नमन वंदन गुरुदेव को निवेदित करें। जयपुर से श्री विजय जी जैन, श्रीमती पुष्पा देवी मुसर्रफ। दिल्ली से श्री के जैन, श्रीमती साधना जी जैन, एनके जैन स्वर्गीय, श्री टीसी जैन समस्त परिवार और साथ ही सागर से आर्यवर्धन गौरव अंजलि जैन जनता आयरन परिवार एक बार जोरदार करतल ध्वनि से निर्माण निधि सदस्यों का अभिनंदन करते हैं। आइए अब इसी कड़ी में जिन्होंने निर्माण सारथी की सदस्यता प्राप्त की है उन श्रावक शिष्यों के नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। डॉक्टर नीरज जी जैन, श्रीमती पद्मा जी जैन, स्वर्गीय प्रेमचंद जी जैन, गुना सा परिवार, आइए एक बार जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन। ये परिवार यदि हमारे बीच है तो शीघ्रता से आए। नीरज जी, डॉक्टर नीरज जी, श्रीमती पद्मा जी, स्वर्गीय प्रेमचंद जी जैन, गुना से, और इनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं। और इनके सुपुत्र विवेक जी सिंगापुर, वो गुणायतन के ट्रस्टी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए ऐसे परिवार का। और इनके सम्मान करने के लिए मैं बुला रहा हूं श्री अतुल जी और साथ में मनोज जी जैन, शैलेन जी कन्नौज से, आ जाइए। मैं निवेदन कर रहा हूं अतुल जी जैन और साथ में शैलेन जी, आइए चलिए। इसी कड़ी में जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच में है डॉक्टर नीरज जी, श्रीमती पद्मा जी, स्वर्गीय प्रेमचंद जी, गुना से, अजी सरज जी आ जाए, सरज जी सरावगी, वो आएंगे और सम्मान करेंगे। आइए इसी कड़ी में परभनी से हमारे बीच में श्री उमेश चंद गहकारी, श्री जैन स्वर्गीय श्रीमती सोमन बाई गहकारी की पुण्य स्मृति में समस्त परिवार परभनी महाराष्ट्र से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी अभिनंदन कीजिए। आइए ये परिवार भी हमारे बीच उपस्थित है प्रत्यक्षता, मैं निवेदन करूंगा सपरिवार आ जाए। और ये परिवार हमारे भी चलिए अभी हाँ आ रहे हैं। और इसी कड़ी में जिन्होंने संस्थापक सदस्य संस्थापक ट्रस्टी बनकर के अपने आप को सौभाग्य जागृत किया है, कन्नौज निवासी कानपुर प्रवासी श्री धन कुमार जी, श्रीमती मुन्नी देवी जैन की स्मृति में राजीव जी, श्रीमती नीलम जी, मोहित जी जैन, और इनके सम्मान के लिए मनोज जी साथ में प्रदीप जी दिल्ली से आ जाइए। हाँ ये परिवार हमारे बीच में है, कन्नौज निवासी कानपुर प्रवासी श्री धन कुमार जी, श्रीमती मुन्नी देवी जैन की स्मृति में राजीव जी, श्रीमती नीलम जी, मोहित जी जैन, समस्त परिवार जोरदार करतल ध्वनि से बंधु इनका अभिनंदन कीजिए। और उनके सम्मान के लिए हमारे बीच में कन्नौज से श्री अतुल जी, हाँ प्रदीप जी दिल्ली आ जाए शीघ्रता से, प्रदीप जी दिल्ली हमारे बीच में और वो उनका सम्मान करेंगे। इसी कड़ी में जिन्होंने संस्थापक सदस्य की सदस्यता प्राप्त की है और उनका सम्मान तो हो ही चुका है, मैं ऐसे परिवार का नाम ले रहा हूं। नई दिल्ली से श्री अजय जी, अक्षत जी, प्रज्ञा जी, स्वर्गीय श्रीमती अनु जैन की पुण्य स्मृति में जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन और अभिनंदन कीजिए।
ऐसे परिवार का इन्होंने भी संस्थापक सदस्य के रूप में अपने आप को धन्य किया है। आप जिनका श्रोमणि संरक्षक के तौर पर आज सम्मान हुआ था पिक्षिका परिवर्तन समारोह के दौरान, उनका नाम ले रहा हूं। श्री पटना से श्री विकास कुमार जी अग्रवाल, श्रीमती स्मिता जी अग्रवाल, श्री पारस जी अग्रवाल, पटना समस्त परिवार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। साथ ही आज जो संस्थापक सदस्य से श्रोमणी की यात्रा से जुड़े हैं, श्रोमणी संरक्षक बने हैं गुणायतन के, रतलाम से श्री राजेश अग्रवाल, श्रीमती रेखा अग्रवाल, श्री भंवरलाल जी अग्रवाल, सपरिवार रतलाम जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आइए, ये हमारे बीच में अभी थोड़ी देर से होंगे उपस्थित। पांडुक शिला, उन्होंने जिन्होंने गुणायतन के लिए एक पांडुक शिला समर्पित करने का सौभाग्य अर्जित किया, मैं उन नाम का उस घोषणा कर रहा हूँ, उस सपरिवार उपस्थित हूँ। फरीदाबाद से श्रीमती प्रभा जैन, कमलेश कुमार जी, प्रियंका जैन, प्रशांत जैन जी, समस्त परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए, गुणायतन ट्रस्टी परिवार है हमारे बीच में, इन्होंने एक पांडुक शिला रजतमय गुणायतन के लिए समर्पित की है और उनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं श्री राकेश जी चांदी वाले आगरा से, साथ में निर्मल जी और विजय जी आगरा, बुआएं सम्मान करें। फरीदाबाद से श्रीमती प्रभा जी, कमलेश कुमार जी, प्रियंका जी, प्रशांत जी जैन, समस्त परिवार, आइए आपकी करतल ध्वनि जोरदार बजे इनके सम्मान के लिए। ये ट्रस्टी परिवार भी है और साथ ही इन्होंने एक पांडुक शिला समर्पित की है रजतमय। आइए, साथ में कपूर जी कोटा, हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता है, हमेशा पीछे से काम करते हैं, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए साथ में आइए, अब मैं एक ऐसे नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं। हाँ, विजय भैया, सुनीता कैलाश जी अजमेरा सिलीगुड़ी, पुत्र पुत्र वधु समेत निधि आरव अजमेरा, पुत्र पुत्र वधु साहिल सोनाली अजमेरा कनाडा से, जो कि कैलाश जी कोचीन वाले महेंद्र जी कोचीन श्रोमणी संरक्षक जो है उनके भांजे हैं, और साथ ही सुनीता अरुण जी गंगवाल रांची, हाँ कैलाश जी उनके भांजे हैं और कैलाश जी कोचीन वाले जो हैं वो महेंद्र, हाँ महेंद्र जी कोचिन वालों के भांजे हैं कैलाश जी, और सुनीता अरुण जी गंगवाल रांची ट्रस्टी की भांजी हैं, वो परिवार आ जाए। साथ में अरुण जी गंगवाल आ जाइए, गुणायतन ट्रस्टी जो हैं रांची से वो सम्मान लेंगे, और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं अवनीश जी कन्नौज से और डॉक्टर कमलेश जी फरीदाबाद, आए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आ जाइए अरुण जी, कमलेश जी फरीदाबाद से श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के, वो आए और सम्मान करेंगे। अमरीश जी कन्नौज आ जाइए, आइए मध्य में आ जाए, जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। श्रोमणी संरक्षक अमरीश जी कन्नौज से, वो भी आए शीघ्रता से और उनका सम्मान करें। हाँ, कैलाश जी सुनीता जी जो अरुण जी की प्रेरणा से ऑनलाइन जुड़े हैं गुणायतन से, एक बार जोरदार पुनः करतल ध्वनि स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। चलिए, और अब सीधे सीधे बिना किसी विलंब के जुड़ते हैं, और एक और नाम हमारे बीच में है जिन्होंने निर्माण दान में 11,000 रुपए की राशि समर्पित की है, केराना सामली से स्वर्गीय बिमल प्रसाद जी की पुण्य स्मृति में, श्रीमती पद्मश्री जैन सपरिवार, जोरदार करतल ध्वनि से इनका सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आइए, बिना किसी विलंब के जुड़ते हैं सीधे संघ का समाधान के सत्र से, और बड़े ही सम्मान के साथ बुला रहा हूं बाल ब्रह्मचारी विजय भैया जी लखना दौन। बंधुओं, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है, लगातार 2-3 दिन से यहां पर तो महा महोत्सव चल रहा है, जहां कल अपन सब लोगों ने मिलकर के गुणायतन का राष्ट्रीय अधिवेशन किया, वहीं आज पिच्छिका परिवर्तन का सौभाग्य मिला हम सबको देखने का, जो कि मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में अगर देखा जाए तो ऐसा पिच्छिका परिवर्तन अब से पहले कभी भी नहीं हुआ था। बंधुओं, जैसी झलकी आज अपने को देखने को मिली, बंधुओं वो 10 मिनट की जो झलकी थी वो आपको जरूर दिखाई जाएगी, बड़ी बड़ी प्रेरणास्पद है बंधुओं। साक्षात ऐसा लग रहा था कि आचार्य भगवंत के चरणों में बैठे हैं, वहां से देव
और आज भी शंका समाधान के अंत में वो झलकियां आपको जरूर दिखाई जाएंगी। आचार्य भगवान से साक्षात वो देव पिच्छिका लेकर के गुणाए तक कैसे पहुंचा, ये झलकी आपको जरूर दिखाई जाएगी। बंधुओं पूज पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा। बंधुओं शंका समाधान बहुत बहुत थोड़ी सी देर होगा, क्योंकि बहुत सारी झलकियां देखना है, बहुत थोड़े से समय को अपन सदुपयोग करते हैं और प्रारंभ करूं प्रथम प्रश्न के लिए। उसके पूर्व अपन सब लोग देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी लोगों को जो पारस चरण प्रमाणिक ऐप के माध्यम से यहां पर जुड़े हुए हैं, उन सब से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आए पूज्य श्री के चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए नमोस्तु 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 निवेदित करते हुए प्रथम प्रश्न के लिए मैं यहां पर आवाज दे रहा हूं। श्रीमान सुनील जी राजा रारा जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं डाल्टनगंज से, और उसी के साथ तैयार रहेंगे अरुण कुमार जी गंगवाल, सीमा जी गंगवाल रांची से जो गुणायतन ट्रस्टी है, निवेदन करता हूं कि वो आए। सुनील जी रारा गुणायतन ट्रस्टी प्रथम प्रश्न को लेकर के यहां पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद तैयार रहेंगे अरुण जी गंगवाल, सीमा जी गंगवाल। बंधुओं कैसा विहंगम दृश्य था आज वो पिछली का परिवर्तन का, जो देखते ही मन आह्लादित हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम गुणायतन में बैठे हैं, कि थोड़ी देर पहले लग रहा था कि हम कुंडलपुर में बैठे हुए हैं, क्योंकि आचार्य भगवंत का साक्षात आशीर्वाद अपन सबको मिल रहा था। ये सब संभव हुआ है पूज्य श्री के गुरु चरणों में बैठ करके। बंधुओं आ गए हैं प्रथम प्रश्न रख रहे हैं सुनील जी रारा। नमोस्तु गुरुदेव, सपरिवार बारंबार नमस्कार। गुरुदेव प्रभु भक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रभु भक्ति का स्वरूप और प्रभु भक्ति का उद्देश्य, अगर प्रभु भक्ति का स्वरूप मुझसे पूछते हो तो मैं कहूँगा प्रभु के प्रति होने वाला भाव विशुद्धि युक्त अनुराग ही प्रभु भक्ति। प्रभु के चरणों में झूमना गाना ये प्रभु भक्ति नहीं, अंदर का अनुराग होना प्रभु भक्ति है। और उद्देश्य अपने कलुषता को मिटाना, अहम को गलाना, अहोभाव को बढ़ाना, प्रभु के गुणों को पाना। अरुण जी गंगवाल रांची से गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के साथ तैयार रहेंगे प्रदीप जी काजल जी प्रीति विहार दिल्ली से। नमस्तु गुरुवर। गुरुवर आज का पीछे परिवर्तन कार्यक्रम तो अद्भुत था, ऐसा लग रहा था कोई स्वर्ग में बैठे में हम लोग भी लग रहा था। चार लाइनें मेरे मन में अचानक उस समय बनी, सो मैं दो एक छोटी सी एकदम एक मिनट की है। गुरुवर के चरणों में झुका आसमान है, आज ऐसा लग रहा था। गुरुवर के चरणों में झुका आसमान है, हे प्रमाण सागर हे अरह सागर तुमको सत सत प्रणाम है, हे प्रमाण सागर हे अरह सागर तुमको सत सत प्रणाम है। पंक्तियां सुनिए। धन्य है वो मात पिता जिसने तुम्हें जन्म दिया, धन्य वो शहर जहां तेरा लालन पालन हुआ, धन्य वो शहर जहां तेरा लालन पालन हुआ, और धन्य वो शहर जहां चातुर्मास होता है। और आखिरी लाइन मेरे ऊपर है या सबके ऊपर है। धन्य वो शहर है जहां चातुर्मास होता है, और भाग्यशाली है वो जिनमें तेरा हाथ होता है, भाग्यशाली है वो। महाराज गुणायतन के लिए दो लाइन लिखी अभी तुरंत। गड़बड़ नहीं। अच्छा ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न महाराज जी। प्रश्न थोड़ा विनोद है, मन हास्य भी है, लेकिन हाँ जैसे देखते हैं कई बार लोग प्रश्नकर्ता लोग प्रश्न पूछते हैं, आधा प्रश्न में ही आप बोलते हैं कि मैं समझ गया। तो मैं रेगुलर देखने वाला हूँ, तो कभी कभी मुझे भी आपका उत्तर लगते ही लगता कि मैं समझ गया। महाराज जी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कुछ असर हो गया लगता है। बहुत बढ़िया, महाराज। चलिए प्रदीप जी काजल जी प्रीति बिहार दिल्ली से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे श्रीमती पूनम जी जैन भोपाल से। महाराज श्री के चरण में मैं प्रदीप जैन सचिन जैन और संदीप जैन का नमोस्तु भगवान नमोस्तु महाराज नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न आचार्य उमा स्वामी के तत्वार सूत्र अध्याय 945वें सूत्र से है महाराज जी, कि वहाँ पे महाव्रति से अनंतानुबंध की विसंयोजना असंख्यात गुणी कही, तो क्या उनके क्षेत्र का फर्क है या इसे सिर्फ संख्या की अपेक्षा बताया गया, क्योंकि नारकी जीव भी अभी देखो ऐसा है। बहुत अच्छा सैद्धांतिक प्रश्न है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग विशुद्धि होती है। महाव्रतों को धारण करने की विशुद्धि अलग है, और जिस समय हम कषायों को गलाते हैं उस समय की विशुद्धि अलग है। मैं बहुत चालू भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, विषय योजना को समझेंगे नहीं, क्योंकि इस सभा के श्रोता हर प्रकार के हैं, इसलिए मैं ऐसे शंकाओं को अपने दोपहर के स्वाध्याय में ही रखता हूँ, तो वहाँ रखोगे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं इतना एक पंक्ति में कहूँगा कि
कि अलग अलग कार्य की अलग अलग विशुद्धि होती है और अलग अलग विशुद्धि के अनुसार अलग अलग परिणाम होते हैं, इसलिए वो अल्पकालिक ऐसी व्यवस्था है। अगर महाव्रती विषय योजना करेंगे तो उनको दोहरा लाभ होगा, लेकिन जो नीचे कर रहे हैं वो कषाय को गला रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है अल्पकाल के लिए, उस काल में उसकी विशुद्धि अधिक होती है। वो अनंतानुबंधी की है और वो दर्शन चरित मोहनी की, मगर तो भी उस काल के लिए पर्टिकुलर उस कार्य के लिए उसकी विशुद्धि क्षेत्र की मानेंगे महाराज जी। हाँ नमस्ते, कोई भी क्षेत्र नरक में भी हो सकता है। ठीक नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि इस बार मैंने पहली बार यात्रा की है शिखर जी की, पर वहाँ पे जितना मुझे एक्साइटमेंट था कि इतनी दूर मैं चल के जा रही हूँ, और वहाँ पे जाके मैंने पहला कुंड मतलब देखा, चौपड़ा कुंड पड़ता है, वो बंद पड़ा हुआ था, तो बहुत दुख हुआ मुझे इस बात में। देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य है समाज का, चौपड़ा कुंड काफी दिनों से बंद है, समाज उसके लिए प्रयासरत है। मैं तो सबसे यही कहूँगा कि सब भावना भाई जल्दी खुल जाए। चलिए दिनेश जी, दिनेश जी दिल्ली से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे श्री ऋषभ कुमार जी मिर्जापुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। मेरा मेरे परिवार जिनवाणी परिवार की तरफ से आपका नमोस्त त्रिवार नमोस्त। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ जहाँ मेरे को अन्य देवी देवताओं की कभी कभी पूजा करनी होती है, तो क्या इसमें मेरे को दोष लगता है? हालांकि मैं नमोकार मंत्र पढ़ता रहता हूँ साथ में, तो या इसका क्या प्रायश्चित? देखिए हमें सम्यक दर्शन की भूमिका को समझते हुए बीचराग आदर्श की उपासना करनी चाहिए और ऐसे प्रसंगों में अपने व्यवहार कुशलता का परिचय देना चाहिए। ऋषभ कुमार जी मिर्जापुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, इसी के साथ तैयार रहेंगे सौरभ जी वरखा जी बनारस ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आज संयम और भक्ति की बात ही हो रही है, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि क्या वाणी व्यवहार और आचरण से अगर हमें किसी को दुख न पहुंचे तो क्या ये भी ईश्वर की एक भक्ति हो सकती है गुरुदेव? बिल्कुल, वाणी व्यवहार और आचरण में दुख न पहुंचे ये भी एक प्रकार से देखा जाए भक्ति नहीं, भक्ति का एक व्यवहारिक रूप हम मान सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। चलिए सौरभ वरखा जी बनारस से गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के साथ तैयार रहेंगे दिनेश जी बलहरा परिवार सागर से। चरणों में मेरा मेरे परिवार का व बनारस समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मौन रहना अच्छा है, लेकिन क्या न्याय सह के मौन रहना अच्छा है क्या? देखिए मौन रहना अच्छा, अन्याय सह के मौन रहना अच्छा नहीं है, बिल्कुल सही है। सामान्य स्थिति में जहाँ झगड़ा हो वहाँ मौन रहो, पर जहाँ अन्याय हो वहाँ मुखर हो जाओ। एक बात और आप सबसे करता हूँ, एक मुनियों के लिए भी एक निर्देश आया आगम, धर्म नाशे क्रिया धन से संवित तत्व विप्लवे अपृष्टैरपि वक्तव्यम जिन सिद्धांत सुरक्षणे। धर्म का नाश हो, क्रिया का ध्वंस हो, तत्व में विप्लव हो, तो बिना पूछे भी बोल देना चाहिए। ये मुनियों के लिए कहा गया, तो सामान्य व्यक्तियों के लिए कहा? तो अन्याय अगर हो तो वहाँ बोलना चाहिए, लेकिन बोलते समय भी हमें सब चीज़ समझ कर करना चाहिए, क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ऐसा ना बोले कि मन ही खोल जाए। नमस्ते। दिनेश जी लहरा वालों का परिवार, और इसी के साथ तैयार रहेंगे एनएल जैन साहब जयपुर जो कि कोषाध्यक्ष हैं गुणायतन के। उन्हीं द्वय के चरणों में बारंबार नमस्तु, और मेरे परिवार और मेरे बढ़ने का जैन समाज के। मेरा बेटा राहुल प्रश्न पूछेगा महाराज जी, यूएसए से आया। राहुल बोलो। गुरुवर के चरणों में शत-शत नमन। मेरा यह प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो नियम से मंदिर जाता है, विशेष विधि से पूजा पाठ करता है, उसको अपन बोलते थे धार्मिक व्यक्ति है, पर एक दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जो नियम से मंदिर ना जाता हो, विशेष विधि से पूजा पाठ भी ना करता हो, बट उसका स्वभाव सरल है और मानवता के प्रति दयालु है, क्रोध भी कम आता हो, तो क्या उसको धार्मिक व्यक्ति बोल सकते हैं क्या? देखिए धार्मिक अच्छी बात है, पूजा पाठ नहीं करना अच्छी बात है और लोक सेवा करना भी अच्छी बात है, दोनों मेरी दृष्टि में धार्मिक है। पर मैं यही कहूँगा जो पूजा पाठ करने वाले हैं वो थोड़ा सेवा भी करने लगे, और जो सेवा कर रहे हैं वो थोड़ा पूजा पाठ भी करने लगे, सोने में सुगंध हो जाए। नमोस्तु महाराज। चलिएगा श्रीमान एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन से, और इसी के साथ निवेदन करूंगा के एन गंगवाल पुणे से डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं। नमोस्तु महाराज श्री।
महाराज श्री, ये सिर पे जो तिलक लगाते हैं फोरहेड पे, इसकी कब से जो है ना इसकी प्रति हुई है, नंबर वन। नंबर टू, मैंने अभी एक कोई एक आर्टिकल पढ़ा है समाचार जगत में कि अगर हम ये राशि के हिसाब से अगर हम इसको लगाएं तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। देखिए, तिलक हमारे मस्तक की शोभा है, सम्मान का तो प्रतीक है ही, श्रद्धा का भी प्रतीक है। हम मस्तक में तिलक लगाते हैं, ये हमारा आज्ञा चक्र है, और यहाँ चंदन का तिलक लगाने से इससे हमारे अंदर आत्मनियंत्रण की क्षमता बढ़ती है, अंतरंग की सकारात्मकता विकसित होती है, इसलिए तिलक लगाना चाहिए। और तिलक की परंपरा बहुत पुरानी है, कई तरह के तिलक का विधान है, गोल तिलक का अलग है, सीधे तिलक का अलग है, आड़े तिलक का अलग है। सवाल आपने बहुत अच्छा किया, पर उत्तर आज मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आज मुझे बहुत कम समय में बहुतों को उत्तर देना है। इस प्रश्न को मैं रखता हूँ। अगर मैं केवल तिलक के लिए बोलूँ ना, तो कम से कम मुझे 10 मिनट चाहिए, आपको 10 मिनट आज नहीं दूंगा। चलिए, नमस्ते महाराज श्री। डॉक्टर के एन गंगवाल इसी के साथ तैयार रहेंगे। डॉक्टर महावीर जी दिल्ली से निवासी भिंडर, जिन्होंने एक विशाल जिनालय बनाने का बीड़ा उठाया है। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, यह सवाल है, एक वर्ल्ड फेमस रेखी मास्टर है, उसका नाम है जोसेफ स्पार्टी, उसका वर्ल्ड फेमस बुक है रनिंग उल्फ। यह किताब में वो लिखता है कि द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड हु इज नो मोर रिक्वायर्ड। इसका मतलब ऐसा है कि वो कहता है कि द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड हु इज नो मोर required or no longer required, इसका मतलब क्या है? देखिए, जो बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड है, जिसके लिए कोई नो मोर रिक्वायर्ड नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, मैं तो इसका अर्थ यही समझता हूँ जिसके अंदर की आवश्यकताएं नहीं है, यही अर्थ है ना? हाँ, जिसके अंदर की आवश्यकताएं सीमित है। और इसका उदाहरण देते हुए उसने बर्गी का उदाहरण दिया है, जो पोल वॉल्ट का वर्ल्ड चैंपियन, 7 बार रहा, ओलंपिक जीता उसने, उसने यही बात कही है कि गुरु का साथ और टीचर का साथ एक सही मर्यादा के ऊपर तक है, और उसके बाद जो जंप लेनी है वो खुद को लेनी है। तो बिल्कुल सही बात है, हमारे आगमों में भी यही बात कही है, आत्मा ही आत्मा का प्रकाशक है, गुरु का काम क्या है। एक बार गुरुदेव ने कहा था, गुरु का एक हाथ प्रभु के प्रति, एक हाथ शिष्य के प्रति, और गुरु का काम केवल इतना है कि शिष्य के हाथ को पकड़ करके प्रभु के हाथ से जोड़ना, खुद को अलग कर देना, गुरु की एक भूमिका। नमस्ते गुरु। आइएगा महावीर जी, जो कि भिंडर निवासी हैं, जिन्होंने विशाल ढैन डुगरी में एक जिनालय बनाने का संकल्प किया है, और इसी के साथ निवेदन करूंगा प्रेमचंद जी प्रेमी, जो कि कार्याध्यक्ष हैं श्री सेवायतन के, और दैवोदय महासभा के जो कि संघ के अध्यक्ष हैं, तैयार रहेंगे कटनी से। गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं आपका ध्यान उस परंपरा को की तरफ ले जा रहा हूँ, और उस स्थान की बात कर रहा हूँ जो सबसे पूजनीय है, और मंदिर की बात कर रहा हूँ। मैंने ये अनुभव किया है कि मंदिर में पूजा होती है, स्पिरिचुअल स्पीड होती है, भावनाएं हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी देखा है कि वहाँ सब तरह के कार्य का उपयोग भी होता है, राजनीति से लेके, आपस में कलह की लेके, दोषारोपण से लेके। क्या वो व्यक्ति जो धर्म के अलावा इन मंदिरों का उपयोग करते हैं, क्या उनको पाप लगता है या पुण्य होता है कि सब काम वही हो रहा है? देखिए, एक ही बात मैं कहूँगा, मंदिर की जितनी पवित्रता है, यदि वैसी पवित्रता लोगों के मन में आ जाए तो सारे झमेले खत्म। हमने तो मंदिर की पवित्रता को बना लिया, मन अभी भी गंदा है, तो जब तक मन में गंदगी रहेगी तो उसकी बदबू तो बाहर निकलेगी ना। जरूरत है मन को साफ करने की, और जब तक हम मन को साफ करने में समर्थ नहीं होते, तब तक हमारा रास्ता प्रशस्त नहीं होता। आइए प्रेमचंद जी प्रेमी, यहाँ पर तैयार है, और इसी के साथ निवेदन करूंगा मैं अमरीश जी जैन कन्नौज से, जो कि शिरोमणि संरक्षक है, उपस्थित रहेंगे यहाँ पर। मुनि द्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, भरोसा और आशीर्वाद दिखते नहीं हैं, पर असंभव को संभव बना देते हैं। गुरुदेव, भरोसा सदा बना रहे,
आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, भरोसा और आशीर्वाद दिखता नहीं लेकिन असंभव को संभव बना देता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि भरोसा सदैव बना रहे और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, इसके लिए क्या करें? श्रद्धा अपने अंदर की बनाए रखो, भक्ति नित्य करते रहो, भरोसा भी बनेगा और आशीर्वाद भी मिलेगा। लीजिए अम्बरीश जी, और इसी के साथ तैयार रहेंगे अनिल संगीता जी सेठी हजारीबाग से। गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव एक जिज्ञासा है कि बोलो, परम औदारिक शरीर, ये इसकी क्या डेफिनेशन है? ये जन्म से ही होता है या किस समय होता है, या जैसे तीर्थंकर भगवान को होता है? बहुत अच्छा सवाल है। परम औदारिक शरीर क्या है? औदारिक शरीर हम आप सबके इस स्थूल शरीर को कहा जाता है, लेकिन जब केवल ज्ञान हो जाता है तब इस शरीर के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रीय शब्दों में हम कहें तो निगोदिया जीव समाप्त हो जाता है। तब इसी शरीर का जो उत्कृष्टतम शरीर हो जाता है, नाम परमोदारिक शरीर पड़ जाता है। चलिए आइएगा अनिल जी, संगीता जी सेठी हजारीबाग से शीघ्रता से पहुंचे, और उसी के साथ तैयार रहेंगी सुश्री हनी अजमेरा हजारीबाग से। बंधु जब तक वे पहुंच रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज सेठ उत्तम चंद जी जो कि कटनी निवासी हैं, उन्होंने सेठ उत्तम चंद जी, श्रीमती प्रभा जी कोयला वाले, पुत्र अनुज जी, अनुराग जी, आभा जी, इन्होंने आज शिरोमणि संरक्षक बनने का सौभाग्य पाया है गुणायतन से जुड़ने का। जोरदार ताली बजा करके हम उनके इस त्याग की अनुमोदना करते हैं, इस उत्तम कार्य की हम सराहना करते हैं। बंधुओं नमस्ते। महाराज जी, महाराज जी हमें हमारा प्रश्न है, चिंता करने से हम परेशान होते हैं और चिंतन करने से समाधान मिलता है, तो दोनों में सामंजस्य कैसे बैठे? चिंता और चिंतन दोनों में सामंजस्य कैसे करें? दोनों के स्वरूप को समझ लें तो सामंजस्य करने की भी सुविधा मिल जाएगी। किसी एक स्थिति में ठहर जाने का नाम चिंता है और उसे पार करके आगे बढ़ जाने का नाम चिंतन है। चिंता में अवरोध है, चिंतन में गति। तो समाधान पाना चाहते हो तो किसी चीज पे रुको मत, ठहरो मत, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, चिंता ही चिंतन में परिवर्तित हो जाए। नमस्ते मैं आइएगा, और सुश्री हनी जी, और इसी के साथ तैयार रहेंगे देवेंद्र जी अजमेरा साकेत गया कोषाध्यक्ष गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव हम यूथ जनरेशन के साथ थोड़ा सा हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम सबके बीच में हैं लेकिन हम अपने आप में उतना नहीं रह पाते, तो हम सबके बीच में रहकर अपने आप में रहना कैसे सीखे जिससे दूसरों को ये ना लगे कि हम थोड़े एंटी सोशल हो गए? सबके बीच में रहकर अपने आप में हम कैसे रहे? जीवन को पेड़ की भांति बनाओ। पेड़ को देखो, उसका तना तो जमा रहता है, एकदम तना रहता है, लेकिन शाखाएं प्रशाखाएं झूमती है, झुकती है। तना एकदम तना रहता है, वो झुकता नहीं। तना झुक जाए तो पूरा पेड़ उखड़ जाए, है ना? तो बस अपने मूल लक्ष्य को सामने रखो, मूल स्वरूप को सामने रखो, मूल को तना बना और व्यवहार को शाखा, सारी समस्याएं हल हो जाए। श्रीमान देवेंद्र जी अजमेरा साकेत गया कोष अध्यक्ष गुणायतन, और इसी के साथ निवेदन करूंगा राजेश जी छतरपुर लंदन से हमारे बीच में। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी विपरीत वातावरण बन जाने पर स्वयं पर कैसे संयम रखें? अनेक बार इसका उत्तर दिया है और रोज ही बोलता हूँ, अपनी सोच को अगर हम सकारात्मक बनाते हैं तो जरूर अंतर आएगा। चलिए राजेश जी छतरपुर लंदन से, जब तक कि वो पहुंच रहे हैं मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अशोक जी पांड्या गुणायतन महामंत्री गिरिडीह से हमारे बीच में है, निवेदन कर रहा हूं कि वो आ रहे हैं अपने प्रश्न लेकर के, और इसी के साथ तैयार रहेंगे फिर संजय जी सुमन जी पिंडरी से गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज जी। अच्छा आगे राजेश महाराज जी, कभी कभी छोटे छोटे नियम लिए होते हैं जो भूल से छूट जाते हैं, मतलब कभी गलती से मिस हो गया। जैसे कल मैं पहाड़ से आया, मैंने शक्कर छोड़ी हुई है, लेकिन कल उन्होंने पर्स दी और मैंने क्या बोलते हैं कुछ मिठाई खा ली,
तो उसके लिए प्रायश्चित क्या है और उसके लिए मतलब कैसे ध्यान रखें चीजों? देखिए, छोटे मोटे नियम अगर कहीं टूटते हैं तो भगवान के समक्ष जाकर अपनी निंदा गहरा करना चाहिए और जाप रस परित्याग के माध्यम से अपना प्रायश्चित कर लेना चाहिए और विशेष होने पर गुरुओं से प्रायश्चित लेना चाहिए। हाँ चलिए जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ अशोक जी पांड्या गुणायतन महामंत्री ग्रीडी से, और इसके बाद फिर हमारे तैयार रहेंगे संजय सुषमा जी हमारे दीदी के चरणों के में मेरी सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न नहीं है, मैं आज इस मंच के माध्यम से मेरे अंदर में जो एक अद्भुत अनुभूति, अद्भुत खुशी और एक ऐसा अनुभव आज मेरे को मिला इस पावन पीसी परिवर्तन के दौरान कि जिसका जिससे मैं आपके साथ आज बैठे तमाम लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता हूँ, आप तमाम लोग इसके साक्षी भी रहे। आज दोपहर के सत्र में जो पीसी परिवर्तन का पावन कार्यक्रम संपन्न हुआ उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस कार्यक्रम की जो डिजिटल हाईटेक के माध्यम से जो पीसी आई, आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से ये पीसी आई, देव लेकर के आए, इस गुणायतन परिसर में वो पीसी उतरी और अभी सब देखेंगे, देखेंगे।, भी देखेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैंने अभी पंडाल में कईयों से प्रतिक्रिया ली कि इस पीसी परिवर्तन को आपने देखे जो हाई टेक के माध्यम से, मैं समझता हूँ कि आज तक के जितने भी पीसी परिवर्तन के कार्यक्रम विभिन्न स्थलों में होंगे उसमें ये अपने आप में एक अनूठा, एक अद्भुत कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। और अभी आप पुनः इस कार्यक्रम को अभी इस स्क्रीन पे देखेंगे और मैंने आज प्रतिक्रिया ली और मेरी प्रतिक्रिया का ये नतीजा है कि लोग बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि ऐसी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह का पीछे परिवर्तन का कार्यक्रम इतने हाईटेक के माध्यम से दिखाया जाएगा। इसी चीज का मैं अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, जोरदार बोलिए मेरे साथ। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, मेरा और कोई प्रश्न नहीं है। चलिए संजय सुमन जी पिंडरी से, और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा प्रकाश जी बोधी पारस चैनल से हमारे बीच में यहाँ पर हैं। गुरु चरणों में सविनय नमन, कोट से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न मेरी छोटी बेटी का है, वो रेलवे में जॉब करती है। उसने प्रश्न भेजी है कि लोग आज के समय सभी सरकारी नौकरी तो चाहते हैं, सभी लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता, उसका अपना अनुभव है। कहते सब लोग ये कहते हैं कि बने रहो पगला, काम करे अगला। और अपना इन लोगों के बीच में रह के अपना उत्तरदायित्व तो कैसे निभाएं? देखिए, सिस्टम में लोग सरकारी नौकरी नहीं करते, अपने आप को सरकार का जवाई मान लेते हैं, तो ये गड़बड़ है। हर व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हमें हमने कोई दायित्व लिया है तो उसको हम नमस्ते। चलिए श्रीमान प्रकाश जी मोदी पहुंच रहे हैं, यही ले लो आप। प्रकाश जी मोदी पारस चैनल से, भाटा पारस से, जो कि डायरेक्टर हैं, जोरदार ताली बजा करके हम एक बार इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, देवादिदेव, 1820 तीर्थंकरों की पावन भूमि को नमन करके इस पंचम युग के चलते फिरते तीर्थंकर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज, अरह सागर जी महाराज, समस्त संघ के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं कि आग लगी आकाश में और झर झर झरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता सा। तो आज हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि आज इस पंचम युग में चलते फरते तीर्थंकर स्वरूप इन आचार्यों महाराजों के दर्शन कर रहे हैं और उनकी वाणी सुन रहे हैं, उनका सानिध्य पा रहे हैं, उनको आहार दे रहे हैं। और हमारे चंद्रसेन जी हमेशा बोलते रहते हैं कि एक फकीर पर सारी दुनिया अपना शीश झुकाती है और जिस माटी पे चरण पड़े वो माटी पूजी जाती है। तो ऐसे हमारे प्रमाण सागर जी महाराज आज यहाँ विद्यमान है और जिन्होंने और जिनकी वाणी ने आज पूरे भारतवर्ष ही नहीं 172 देशों में पारस चैनल के माध्यम से
कहते हैं ना कि पारस को छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, वैसे हमारे प्रमाण सागर जी महाराज की वाणी जो पारस चैनल के माध्यम से खिल रही है, वैसे पूरे जैन जगत का ही नहीं पूरे संसार का कल्याण हो रहा है पारस के माध्यम से। पूज्य गुरुदेव, मैं आपके समक्ष अपनी बात रखना चाहता हूं कि मैंने इस भारत के अलावा भी करीब 12-13 देशों की यात्रा की है और उन यात्राओं में मैं जाता हूं और जब मेरा परिचय पारस चैनल के माध्यम से दिया जाता है तो हर किसी के जवान में एक ही चीज निकलती है कि आपके पारस चैनल में वो शंका समाज वाले महाराज जी का, चाहे वो जैन हो अजैन हो व्यापारी हो, हर जगह एक ही नाम चलता है पारस चैनल में, शंका समाधान, शंका समाधान, शंका समाधान। आज ये जो शंका समाधान के माध्यम से जैन ही नहीं पूरे विश्व के समुदाय को जो लाभ मिल रहा है उसकी कल्पना आज हम जो कर रहे हैं, आज से लगभग 2011 या 2012 में जब महाराष्ट्री रांची में विराजमान थे, तब रांची में मैं 2010 में जब हमने चैनल प्रारंभ किया था और मैं गुरुवर के चरणों में आया था कि हम पारस चैनल का मीडिया के माध्यम से इसका शुभारंभ कर रहे हैं और आपकी वाणी उसमें खिलना चाहिए, तब गुरुदेव ने कहा था कि मेरा एक शंका समाधान आएगा, जो तुम्हारा पारस है वो पूरे लोगों को स्वर्ण बना देगा। आज वह परिकल्पना स्वर्ण हो रही है और आज पूरा विश्व शंका समाधान के माध्यम से जैन जगत का गुणगान कर रहा है। एक समय था कि जैन समाज के हमारे साधु संत निकल नहीं पाते थे, अंग्रेजों का शासन था, मुगलों का शासन था कि जैन संतों को भी आहार करने जाना पड़ता था तो वस्त्र पहन के जाते थे और वहां जाके वस्त्र उतार के आहार करते थे। ऐसा प्रमाणों में कहीं जगह लिखा हुआ है, अगर मेरी बात गलत हो तो नहीं कह सकता, लेकिन आज हम इस पंचम काल में जो चलते फिरते तीर्थंकर भगवंत स्वरूप अरह सागर जी महाराज, प्रमाण सागर जी महाराज, अनेक संतों को देख रहे हैं, जिनकी वाणी सुन रहे हैं, जिनकी वाणी के सुन करके उद्धार कर रहे हैं, एक नहीं कैसे ऐसे उदाहरण है कि शंका समाधान के माध्यम से। एक तो ऐसा उदाहरण आया था कि एक ने बताया कि एक पढ़ाई से कारण इतना डिप्रेशन में चला गया था, पूना का वो बालक था और पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में चला गया था, उसके परिवार वाले बहुत परेशान थे। एक दिन वो खुदा न खास्ता शंका समाधान का प्रोग्राम देख रहा था और उसने मतलब अपनी मानसिकता बना ली थी कि मैं इस संसार को छोड़ना है और आत्महत्या करने के पूरे उसके विचार थे। और पता नहीं गुरुवर की वाणी में ऐसा क्या जादू निकला, उस शंका समाधान में क्या निकला कि आज वो लड़का आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि आत्महत्या करने जा रहा था। यह शंका समाधान का कमाल है कि आज पूरे विश्व में पारस चैनल के माध्यम से गुरुवर की वाणी जो खिल रही है और शंका समाधान के माध्यम से ना जाने कितने लोगों का कल्याण हो रहा है, ये एक अपने आप में एक इतिहास है। और जो इतिहास आज अभी गुणायतन में जो गुरुदेव के चरणों में लिखा जा रहा है, जो गुरुवर की परिकल्पना है, आज मैं ठीक है कुछ देर के लिए मैं क्योंकि अपने स्वार्थवश में ऊपर वंदना को चला गया था, मैं उस समय कुछ देर नहीं रह पाया पिछली परिवर्तन पर, लेकिन जो जितना भी समय मैं रहा उस समय गुरुवर की जो सोच थी, जो गुरुवर की परिकल्पना है, जो गुणायतन के बारे में उनकी सोच है कि आज कुंडलपुर का जो विश्व का सबसे बड़ा पंच कल्याणक होने जा रहा है गुरुवर की वाणी से, वो तो वहां से रिहर्सल होगा और हमारे चंद्र कुमार जी, हमारे रमेश भैया सतना वाले बैठे हैं, सबके सानिध्य में हम पूरा MP छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा विश्व गुरुवर के चरणों में आके गुणायतन में वो विश्व का भी बड़ा से बड़ा पंच कल्याणक यहाँ पे संपन्न कराएंगे। बहुत गुरुवर के सामने एक आकर के एक ऐसी ऊर्जा मिलती है, ऐसा होता है कि मतलब उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हम सब। आप सबको आज मैं गुरुवर के समक्ष पारस पूरे परिवार की ओर से, पूरे पारस चैनल परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूं कि आपका मंगल आशीर्वाद, आपकी वाणी खिलती रहे पारस में और पूरे जगत का कल्याण होते रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ नमोस्तु 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 गुरु। जब बोलते हैं ना तो बोलते नहीं बह जाते हैं। अरविंद बोलते बोलते कह दिए कि कुंडलपुर का जो आयोजन है, गुरायतन का आयोजन, उससे बड़ा होगा बड़ा नहीं होगा, बड़े बाबा सबसे बड़े हैं और वहाँ छोटे बाबा है वो तो सबसे बड़ा होगा। बहुत समझ गए, वहां से प्रशिक्षण लेंगे, रिहर्सल का अर्थ है वो ठीक है, लेकिन ये गुणायतन तो छोटा ही है बड़े बाबा के आगे, तो वहां रिहर्सल शब्द का अर्थ ये नहीं लेना,
वहां प्रशिक्षण है, वो हमें अभी ट्रेनिंग मिलेगी, और ट्रेनिंग करने में जो पहला काम होता है, दूसरे काम में हमारी ताकत और कई गुनी हो जाती है, तो कई गुनी ताकत से आपको काम करना है, समझ गए? नहीं तो ये नहीं फैलाना, वहां से सीख के आओगे, और हम भी तो वहीं से सीख के आए, अलग से है कहां, तो सब चीजें वहीं की है, उसको वहीं तक सीमित रखें। सत भैया परिवार, सुनीता जी, इंद्रजीत जी, वास्तव में देखना शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण, कि मैं गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, इसी समर्पण के लिए तो सारी दुनिया आपके चरणों में झुकती है महाराज श्री जी। और इसी के बाद तैयारेंगे रेवती चंद्रकांत जी गंगवाल औरंगाबाद से। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आज की जो 3G और 4G जो पीढ़ी है, फिर से बोलो। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि आज की जो 3G और 4G जिसको अपन बोलते हैं, ये जो पीढ़ी है, अब तो 5G आ रहा है। हाँ, अभी 5 तक पहुंच रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग जैसा हमारी पीढ़ी जो है कि मम्मी ने बोला कि आज अष्टमी 14 से ये नहीं करना, ये पूजा कर लेना है, लेकिन इन पीढ़ी को सत्य और संस्कृति का मिलाप किस तरह किया जाए? देखिए, मेरा तो कहना है बहुत अच्छा समय है, अगर हमने टेक्नोलॉजी को ठीक तरीके से समझ लिया और लोगों को समझाने की शुरुआत कर दी, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए हमारा धर्म सुगम होगा। जो 3G 4G हाईटेक हो रहे हैं ना, उनको हम बताएं और धर्म की बातें बताएं, और टेक्नोलॉजी से धर्म को सीखने की प्रयोगशाला ही तो बनाए थे ना। जिस दिन ये चीज़ें सीखेंगे, लोग समझेंगे, मेरा तो पूरा ये अनुभव है और अवधारणा है कि हम टेक्नोलॉजी के बल पर धर्म का और बेहतर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आखिर ये कार्यक्रम आप लोग चैनल्स के माध्यम से देखते हैं, ये भी तो धर्म प्रभावना का ही एक अंग है। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी आज इतने एडवांस हो गई है कि वो हमें हर चीज को समझने में सुगमता दिला सकती है, बशर्ते हम उसका सदुपयोग करें। लोग नकारात्मक दिशा में टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, मैं चाहता हूं उसे पूरी तरह सकारात्मक दिशा में ले जाया जाए। रेवती चंद्रकांत जी गंगवाल और इसी के साथ कमलेश जी फिरोजाबाद पहुंच रहे हैं। सत्य है, सारी दुनिया का काम किसी जी से चले, पर अपना काम तो गुरु जी से चलता है भैया, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। आए और इसी के साथ तैयार रहेंगे कमलेश जी फिरोजाबाद से। परम पूज गुरुदेव के चरणों में सत भैया परिवार का, टी कमल समाज का नमस्तु। गुरुदेव, मेरी बहू पसंद कर रही है। हाँ बोलो। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, कल आपने बताया था कि जब आत्मा का अनुभवन करना होता है हमें, तो उस आत्मा को हम ज्ञान की ज्योति से जला के ज्ञान प्रकट करते हैं और उससे हम आत्मा का अनुभवन करते हैं, पर हम जानते हैं कि जो आत्मा है उसी में ज्ञान है, और उस ज्ञान से, उस ज्ञान की ज्योति से उस ज्ञान को ही हम कैसे प्रकट करेंगे, जब पता है कि वो सहज होता है, और जब सहज है तो फिर यदि प्रकट करना है तो विकल्प है, तो विकल्पता के साथ फिर उस सहज ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? बहुत सुंदर है। ज्ञान को प्रकट नहीं करना, ज्ञान तो है, उसकी धुंध को मिटाना है। ज्ञान के ऊपर जो कालिक है, जो धुंध है, उसे मिटाना है। हर प्राणी के भीतर केवल है, पर उस पर आवरण पड़ा हुआ है, वो धुंध है, और उसकी कालिक निकल रही है। उस कालिक को मिटाने के लिए फूंक मारना है, वो अंतर्मुखता की फूंक है, जो हमारी चेतना को शुद्ध बनाती, निर्मल बनाती, प्रखर बनाती है। और जिस पल हमारे अंदर की कलुषता मिट जाएगी, शुद्ध ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। ज्ञान तो है ही, बस उस पर जो आवरण पड़ा है उसे मिटाना। आपने पूछा सहजता और विकल्प की बात। देखिए, हम विकल्प से निर्विकल्प होंगे, प्रारंभिक भूमिका में भावना भाएंगे, फिर उत्तर भूमिका में जाकर उसकी अनुभूति करेंगे। आज से 4 दिन पहले के प्रवचन में, 3 दिन पहले की प्रवचन में मैंने बात कहा था, ज्ञान, भावना, अनुभूति और उपलब्धि, शायद उसमें आपको समाधान मिल जाएगा। कमलेश जी फिरोजाबाद और तैयार रहेंगे नीरज पूजा जैन गुणायतन ट्रस्टी। महाराज श्री नमोस्तु, महाराज श्री नमोस्तु। महाराज जी, मैं कमलेश जैन फरीदाबाद। महाराज श्री, बोलो कमलेश। हाँ बोलो। मैं जानना चाह रहा था कि सचित्त त्याग प्रतिमा का मूल उद्देश्य सकल संयम का है। जब सचित्त को अचित्त कर व्रति लोग आहार में उपयोग लेते हैं, तो इसमें इंद्रिय संयम का तो पालन हो जाता है, लेकिन प्राणी संयम का पालन कैसे होता है? अरे, इंद्रिय संयम भी तो एक संयम है। आज इंद्रिय संयम करेगा तो आगे चल करके प्राणी संयम पालने योग्य होगा। ये शिक्षा व्रत है, अभ्यास के साथ भोगो भोग परिमाण व्रत में ही
ये शुरू हो जाता है, और उस आगे उसको साधक बनना है तो अपनी भूमिका अनुरूप जितना अभ्यास कर सके कर ले, इसलिए गृहस्थों को इसका त्याग कराया जाता है। पूजा जी पहुंच गए हैं तो पहुंचे, और इसी के साथ तैयार रहेंगे दिनेश जी जैन दिल्ली। भगवान के चरण में मेरी कोटि कोटि वंदना। भगवान मैं समाज को एक मैसेज और शंका समाधान भी इसी में ही है। महाराज साहब जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो अपना जीवन दाव पे लगाकर उसको जन्म देती है, उसके बाद माँ बाप उसको शिक्षा संपन्न और शक्ति संपन्न बनाने के लिए अपना रात दिन एक कर देते हैं। महाराज साहब जब बेटा वैभव संपन्न हो जाता है 25-30 साल बाद, तो वो माँ बाप की स्थिति वही होती है जो बचपन में बच्चे की होती है। तो बच्चा ये क्यों नहीं सोचता कि अगर माँ बाप मुझे उस बचपन में ऐसे छोड़ देते तो शायद वो स्थिति मेरी हो जाती। तो माँ बाप आजकल की जो औलाद है वो माँ बाप की संपत्ति को अपना मानती है, लेकिन माँ बाप को अपनी संपत्ति क्यों नहीं मानती? बहुत सही बात है, आज की संतान माँ बाप की संपत्ति को अपना मानती है पर माँ बाप को अपनी संपत्ति नहीं मानती। सबसे बड़ी कमी इसके पीछे की यह है कि हम माँ बाप के उपकारों को भूल जाते हैं। यदि हम हर पल माँ बाप के उपकारों का स्मरण रखें तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और इसके लिए मैं एक सलाह दूंगा कि माँ बाप अगर चाहते हैं कि संतान हमारे अनुकूल बने रहे, तो हर माँ बाप बनने वाले को चाहिए कि वे अपने माँ बाप के अनुकूल बने। मैंने एक बार कहा था कि यदि आप चाहते हैं कि आपका बेटा श्रवण कुमार बने, यदि आप चाहते हो कि आपका बेटा श्रवण कुमार बने, तो आप अपने पति को श्रवण कुमार बनने की सीख दे दो, क्योंकि श्रवण कुमार के घर में ही श्रवण कुमार पैदा होता है। कंस की औलाद तो केवल कंस ही होती है। माँ बाप महाराज साहब मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे माँ बाप जो प्राण है मेरे उसमें ही निकले हैं, लास्ट के मेरी गोद में ही। बहुत सुंदर, ऐसी परंपरा करे तुम्हारा बेटा तुम्हें उसका पूरा ऋण चुकाएगा। और पहुंच रहे हैं ताराचंद जी न्यास बोर्ड, न जाने बहुत सारी उपाधियां पर मुझे लगता कि वो सारी उपाधियां फीकी हैं जो कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के भतीजे होने की उपाधि है, इससे बड़ी और कोई दूसरी उपाधि नहीं हो सकती है, वो प्रश्न कर रहे हैं। और इसी के साथ निवेदन करूंगा मैं अरविंद जी राजा और उनके ही साथी चंद्र कुमार जी राय सेठ हमारे बीच में, दोनों एक साथ यहाँ पर आए। एक बार बोल दीजिए आचार्य ज्ञान सागर महाराज की, आचार्य विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज की। मुझे वो दिन याद है, चूंकि मैं झारखंड बोर्ड का चेयरमैन हूं तो मेरे पास हजारीबाग के कुछ लोग आए कि मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी झारखंड के हैं, और लंबी तपस्या के बाद, लंबी दीक्षा के बाद, लंबी गुरु दीक्षा के बाद और झारखंड पधार रहे हैं, तो झारखंड में इनका अभिवादन करना है। उस वक्त जब आए और उस वक्त इनसे जो बातें हुई, तो इन्होंने कहा कि मैं जब आया हूं तो मैं चाहता हूं कि झारखंड के अंदर और मधुबन के अंदर एक ऐसी चीज बनाऊं और एक ऐसी बात यहां पैदा करूं जिससे कि लोगों को लगे कि मुनि प्रमाण सागर जी झारखंड या यहां आए थे। तो हम लोग कुछ सोचने लगे कि आखिर क्या इनकी कल्पना हो सकती है। तो महाराज जी आपको याद होगा जब कल्पना पर हम लोगों ने बात की कि भाई एक स्कूल बनाइए, एक ये बनाइए, एक ये बनाइए, ये बनाइए, कई तरह की बातें सामने आई। लेकिन आज जो रूप, जो गुणायतन का जो रूप है, ये रूप महाराज जी हमको तो लग रहा है कि ये रूप आपके दिमाग में भी उस वक्त इतनी बड़ी कल्पना आई कि नहीं आई जब हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। और जब आप बोले मैंने कुछ सुना ही नहीं, अब बोलो मैं कहीं और। जब झारखंड में आप प्रवेश कर रहे थे, हाँ। तो हजारीबाग के अपने जितने प्रताप जी वगैरह हैं सब मेरे कजन हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हजारीबाग के प्रमाण सागर जी और वो झारखंड पहुंच रहे हैं और आपको झारखंड की बॉर्डर पर चल के उनका सम्मान करना है। तो मैं पहली दफा आपका दर्शन किया जबकि गुरु जी के पास जाता था, लेकिन जब लौट के आया और उसके बाद आपसे जो मधुबन में बातें हुई, तो आपकी जो बातें हुई कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग याद करें कि यहाँ प्रमाण सागर यहाँ आए थे और झारखंड में, और यहाँ पर कुछ इस तरह की बातें नहीं पैदा करें। उस वक्त आपके दिमाग में बातें देखो ऐसा है, आपको याद होगा ताराचंद जी साहब, बात तो केवल इतनी है और मैं बिल्कुल सीधी सी बात बता देता हूँ, भूमिका की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ आया था केवल वंदना करने के लिए, और मुझे वंदना करना था और हजारीबाग के शताब्दी महोत्सव में सम्मिलित होना था। यहाँ आने के पहले और यहाँ आने के बाद तक मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैंने देखा
तो यहाँ के जन जीवन को देखकर मेरा मन उद्वेलित हुआ और तब हमने सबसे पहले सेवायतन की बात सोची। और गुणायतन तो मेरे मन में था ही नहीं, इसकी कथा मैं अनेक बार बता चुका हूँ। ये तो एक निमित्त बना और आप लोगों ने प्रेरणा दी, खासकर जो मैंने बाबूलाल जी पहाड़े की बात की और एक सपना मेरे मन में आया, आज वो साकार हो रहा है। मैं ये सब सोचकर कतई नहीं आया था, पर मैं इतना ही जानता हूँ इस धरती का इतना योग था जो आज ये रूप बन गया और मुझे निमित्त बनना था सो बन गया। आप सब लोग उसमें सहभागी बन रहे हैं, ये भी आप सबके लिए महाराज जी यही एक बड़ी बात है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैसे अपने 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर में 22 तीर्थंकर संयुक्त बिहार में ही निर्वाण प्राप्त किए, उसमें 20 तीर्थंकर मधुबन से या झारखंड से निर्वाण प्राप्त किए उस निर्वाण की भूमि में, और आज झारखंड के अंदर जो अलख आपने जगाया है और जो चीज आपने पैदा की है ये एक लंबा इतिहास बनेगा। आज इसी को, इस तरह के कार्यक्रम को देख के मुझे, मैं झारखंड के बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते मुझे इतनी खुशी है कि आपने एक लंबा सपना साकार किया जो कि आपको भी नहीं था। इसलिए पुनः मैं आपके इस कार्यक्रम के लिए आपको भी मैं अपनी तरफ से और आप सबों को भी ये मैंने हर तरह से आपको प्रेरित करता हूं कि आप लोग इसको जितनी भी जल्दी हो सके और एक ये लंबा चीज बने और बहुत बढ़िया एक लगे कि हाँ भाई झारखंड के अंदर लोग देखने के लिए आए कि यहाँ पर इस तरह गुणायता नाम का एक संस्था है। और पुनः मैं अपना आपको प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को विराम, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और अरविंद जी राजा, चंद्र कुमार जी राय सेठ यहाँ पर पहुंच रहे। गुरु के रहने से बहुत प्रभाव था, कोई परेशानी नहीं हो रही थी, मगर जो अभी जो नए युवक हैं उनको कैसे उत्साहित करें कि वहाँ की भैया व्यक्ति और सब व्यवस्था अच्छे से चले। ओम, सबको उत्साहित करने के लिए, नवयुवकों के लिए सबको चाहिए कि ये बहुत पुण्य का योग है। साधु की सेवा करना तो पुण्य है ही और वृद्ध साधुओं की सेवा करना दोहरा पुण्य है और इसके लिए लोगों को संकल्पित होकर आगे आना चाहिए। नमोस्तु। दिनेश जी गंगवाल और उनकी टीम कलकत्ता से यहाँ पर उपस्थित है और इसके बाद तैयार रहेंगे विनोद जी अंशु मोदी भाटापारा से। नमस्ते महाराज जी, मैं लास्ट टाइम आया था आपसे आशीर्वाद लेके गया था, पुलिया में जो जैन मूर्ति ऐसी उसी पड़ी थी उस एक में बलि का प्रथा चालू था, आप आशीर्वाद दिए, सौभाग्य से कल उस मूर्ति का हम लोग शांति धारा किए। अब आपसे प्रश्न है, जो पुरानी मूर्ति में हम लोग शांति धारा किए यह उचित है ना अनुचित है? और शांति धारा जो किए हम पुरानी पद्म प्रभु भगवान की जो मूर्ति है 1200 पुरानी वो इधर उधर पड़ी थी, हम लोग गवर्नमेंट की सपोर्ट से कल 2000 आदमी के समिट में कल शांति धारा किए, हम पूरी टीम है यहाँ पर जैन महासभा की तरफ से, तो उसमें जो शांति धारा किए हम लोग ये उचित है ना अनुचित है? उसमें देखो ऐसे जगह में हमें अपनी पहुंच बनाने के लिए जो कुछ भी किया जाए सब उचित है। आप लोगों ने बहुत सराहनीय कार्य किया, मेरा आशीर्वाद है और मैं कहूंगा तुम जैसे सभी उत्साही युवा इसमें लगो और सबसे पहले वहां भगवान को संरक्षित करें। उनके बारे में मैं भी बहुत सुन चुका हूँ, भगवान को संरक्षित करने के साथ साथ ऐसा कुछ करे कि वहाँ बलि ना हो, बलि रुके, शायद साल में एक दिन बलि होती है, वो बंद हो जाए, वो बंद हो जाए, और अगर पूरी तरह बंद नहीं कर सके तो जैसे कुलवा पहाड़ में अलग होता है वो करे, तो हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। बहुत सुंदर आशीर्वाद, बहुत अच्छा कार्य किया, मैं पूरे टीम को आशीर्वाद देता हूं। आप नहीं रहते तो नहीं होता, आप आशीर्वाद दिए बोल के हुआ, बहुत सुंदर। विनोद जी, अंशु जी, मनीष महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। अपना जैन धर्म है वो त्याग का धर्म है, अपने त्याग को मानते हैं। अब जैसे दकलक्षण जी के व्रत होते हैं, अष्टानिका के वर्ग होते हैं, वो व्रत हम लोग करते हैं, उसके बाद जो अनुष्ठान करते हैं, फिर जो लेन देन करते हैं कि इसको देना पड़ता है, कोई हम लोग को भी लिफाफा देते हैं, तो वो लेना उचित है क्या? अगर वो लेते हैं तो मेरा धर्म या मेरा त्याग कम नहीं हो जाता, मेरे को ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, मैं तो अनेक बार बोलता हूँ हर दशलक्षण में, तुम्हें तो याद होगा जब कोलकाता चतुर्मास था तब हमने सबको त्याग दिलाया था। ये धारा कैसे चले महाराज? ये धारा तो अब आपों को संकल्पित होना चाहिए, लोग रूढ़िवादी बन गए हैं और परंपरा पोषक होकर ऐसा कर रहे हैं, ये इस कुपरंपरा को रोकना चाहिए। मैं एक घटना बता रहा हूँ, एक बहन जी अपना उपवास करना चाह रही थी 10, उसके पति ने कह दिया मेरे पास 2 लाख खर्च करने की व्यवस्था नहीं है, तुम्हें व्रत नहीं करना, वो व्रत से वंचित हो गई।
ये दिखावा है, ये उचित नहीं है। व्रत आत्म शुद्धि के लिए किया जाता है। यदि हम दूसरे अभिप्रायों को जोड़ लेते हैं तो व्रत व्रत न होकर लंघन हो जाता है। सदैव ध्यान रखना है, भोजन छोड़ने का नाम उपवास नहीं है, आसक्ति छोड़ने का नाम उपवास है। यदि ये सब चीजें बनी रही तो उपवास कहाँ। इसलिए इस पर पूरा ध्यान, महाराज श्री उनको मना करते हैं, बिल्कुल नहीं, न देना न लेना। और इसके लिए तो व्रत करने वाले को संकल्पित हो जाना चाहिए, और मौकों में देव लेव स्वागत है, इस मौके में हमें कुछ नहीं चाहिए, देना है तो बड़े आशीर्वाद दे और अनुमोदना करे। विनोद अंशु जी मोदी भाटापारा से आखिरी पूछ रहे हैं अंतिम प्रश्न के रूप में। भाटापारा से मोदी परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, ये मेरा नहीं, मेरे बेटे का प्रश्न है महाराज जी। उसका कहना है कि हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं वो लाखों लाखों वर्षों के अंतर में हुए हैं, और यहाँ पर तो मनुष्य की जो नयन नक्श काया रहती है वो कुछ ही दूरी पर बदल जाती है, लेकिन हमारे जो 24 तीर्थंकर है वो सभी हर समय हर काल में एक ही जैसी उनकी प्रतिमाएं रहती हैं। ऐसा प्रतिमाएं एक जैसी, भगवान एक जैसे कहाँ थे, रंग ही अलग अलग था कि नहीं। और मैं बताता हूँ, 24 तीर्थंकरों की जो देह संरचना है वो 24 ही होती और अलग अलग ही होती। यते समानम अपरम नहीं रूपम अस्ति, तीर्थंकर भगवंत के समान कोई दूसरा तीर्थंकर भी नहीं होगा, वो अलौकिक। क्योंकि आगम में बताया है कि उन तीर्थंकरों के शरीर में जो परमाणु लगते हैं वो उतने ही होते हैं। इसलिए हम भगवान को अब हम क्या करें, हमारे पास व्यवस्था नहीं, इसलिए हमने बिंब को एक रूप बना दिया। हालांकि बिंबों में भी कई जगह भिन्नताएं हैं, 9 ताल 10 ताल अलग अलग प्रतिमाएं बनती है, वो अलग अलग रूप में बनती है और अलग अलग शिल्पकार के हाथों भी बनती है, वो अलग व्यवस्थाएं, लेकिन ये अपने आप में एक अलग पहचान है और उसको उस तरीके से देखना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।